वही मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गॉज़स लॉ। लेकिन गॉज़स लॉ को समझने से पहले हम सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंस है, फिर हम जाके डिस्कस करेंगे आखिर में जाके गॉज़स लॉ। तो पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते थे कि गॉज़स लॉ है क्या। के एफ गॉस एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने डिस्कस किया रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप क्या थी आपकी, बिटवीन टोटल आउटवर्ड फ्लक्स एंड नेट चार्ज। नेट चार्ज का मकसद है रिजल्टेंट चार्ज, यानी टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ चार्जेस, एक से ज्यादा चार्जेस का टोटल नेट, जो कि इंक्लोज हो बाय आर्बिट्री और हाइपोथेटिकल सरफेस। ये आपकी आर्बिट्री और हाइपोथेटिकल सरफेस है, दिस इज योर आर्बिट्री इनक्लोज सरफेस। सरफेस जो भी हो, ज्योमेट्रिकल वॉट एवर जो भी इसका नाम हो, लेकिन क्लोज्ड हो, सच काइंड ऑफ। अब वो सरफेस, अब ये इस सरफेस में जब नंबर ऑफ चार्जेस इंक्लोज होंगी विद, यानी ये आपकी आर्बिट्री सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो इंक्लोज्ड है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, ये नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड है इससे हाइपोथेटिकल सरफेस पे, जिस सरफेस को हमने नाम दिया है गॉज़ियन सरफेस। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि गॉज़ियन सरफेस को समझने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स की फ्लक्स क्या है, लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू फ्लो, पास होना। व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सरफेस। अब बेटा मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि सरफेस और क्रॉस सेक्शन सरफेस, सरफेस और क्रॉस सेक्शनल सरफेस में क्या डिफरेंस है। किसी भी प्लेन सरफेस है, जैसे लेट सपोज करते हैं आपका मार्कर जे, ये सिलेंड्रिकल है। अब इसका जो फेस है ये प्लेन है, सर्कुलर भी है और प्लेन भी है। अब यहां से आपको कंफर्म है कोई भी चीज पास नहीं होगी, इवन लाइट भी पास नहीं होगी। तो ये आपका प्लेन सरफेस है, इसका जो एरिया है ये आपका हो जाता है, इससे कोई भी चीज पास नहीं होगी, तो इसका एरिया हो जाता है स्केलर। लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो जैसे कि आप लोग नेट यूज करते हो, जालियां यूज करते हो डेली लाइफ में, तो इससे लाइट भी पास हो जाती है, इससे जो है का इलेक्ट्रिक लाइन भी पास हो जाएगी, यानी पासिंग हो जाए, तो उस एरिया या उस सेगमेंट ऑफ एरिया को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जिसकी जिसका फेस जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस या लाइट वगैरह जो भी पास हुई है। तो एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये फर्क है। तो एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वजह से हम एरिया को कंडीशनल वेक्टर कहते हैं बेटा। आ जाते वापस, अब इसमें हमने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल सरफेस ऑफ एरिया जो कि विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर, जो कि आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है इलेक्ट्रिक लाइंस। क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस को भी डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक लाइंस आर बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस, जिन्हें हमने खुद ने इमेजिन की है, हमें नजर नहीं आ रही होती है, विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर, और वो फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, टेस्टिंग चार्ज। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ओपन कर्व्स लाइन्स, यानी ये क्लोज कर्व नहीं होती, ऐसे नहीं है कि जहां से स्टार्ट हुई वहां पर जाके क्लोज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसको क्लोज कहेंगे, लेकिन ये क्लोज नहीं होती, ये ओपन कर्व्स होती है, यानी ये पॉजिटिव से तो ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। इसका मकसद घूम फिर कर दोबारा पॉजिटिव में नहीं आती, तो ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक होती है इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ओपन कर्व लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज,
originated from positive charge and terminated to negative charge. इस फिगर में हम क्लियर लफ्जों में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिव चार्ज की होती है आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में इसी इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन होती है इनवर्ड। तो ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि हम आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी में भी डिस्कस करेंगे। तो अगेन दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ओपन कर्व लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज। दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, parallel to each other, it means they do not intersect या आपस में intersect नहीं करेगी। अब वापस आ जाते हैं अपने दोबारा electric flux के topic पर। तो electric flux is what? Electric flux when electric lines are passing through the cross sectional area of surface which has perpendicularly, then electric flux is produced। अब perpendicularly बेटा ये हम कॉलम रिमूव करते क्योंकि ये हमने डिस्कस कर दिया electric lines के बारे में। तो जब बात करते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका मतलब ये आपकी एक सरफेस होगी, ये प्लेन सरफेस है, याद रहे मैं प्लेन सरफेस बना रहा हूं विच हैज परपेंडिकुलरली, और ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनकी डायरेक्शन होती है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनकी डायरेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन है डेल्टा ए, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसी इलेक्ट्रिक लाइन से आप इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस आपकी पास होती है इसी इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया से, इलेक्ट्रिक लाइंस आपकी पास होती है जो कि क्या है पैरेलल टू ईच अदर। अगर सरफेस हेल्ड होगी परपेंडिकुलरली तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन से पैरेलल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मकसद ये है कि आपको जब आप रिजल्ट निकालोगे दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर तो आप बेसिकली क्वांटिटी निकालो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हुई है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास हुई। तो कितनी वर्ड का मकसद है क्वांटिटी यानी अमाउंट जो कि आपको देता है स्केलर क्वांटिटी। तो अमाउंट रिप्रेजेंट्स स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका बेटा स्केलर हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने मैथमेटिकली डिस्कस भी किया। फाई ई आपका रिप्रेजेंट किया हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई हमें रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, और डेल्टा ए रिप्रेजेंट किया हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैथमेटिकली the dot product of electric intensity and area of cross section is equal to electric flux, जो कि इसका magnitude निकालेंगे तो E delta A cos theta। अब यहाँ पर जब surface आपका held है perpendicularly, तो electric lines और delta A both are parallel to each other if surface held perpendicularly। यहाँ पर हो जाता है case A, if surface held perpendicularly then electric intensity and area of cross section both are parallel to each other, both are parallel to each other। उसका मकसद है थीटा आपका हो जाएगा 0 degree, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बेटा होगा मैक्सिमम। इसी वजह से हमें स्टेटमेंट में लिखा है कि हेल्ड परपेंडिकुलर, सरफेस शुड बी हेल्ड परपेंडिकुलरली, तभी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाएगा मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको हो जाएगा मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो हेल्ड है हॉरिजेंटली तो बेटा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। तो याद रहे इलेक्ट्रिक लाइंस एक भी इसमें से पास नहीं होगी, एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया के दरमियान आपका जो डायरेक्शन है वो बन जाती है परपेंडिकुलर टू इच अदर इन 90 डिग्री। तो केस बी, तो एरिया इफ सरफेस हेल्ड हॉरिजेंटली then A is perpendicular, ये perpendicular की sign है बेटा, A is perpendicular to area of cross section, तो angle आपकी हो जाएगी बेटा 90 degree। तो electric flux आपका हो जाएगा E delta A cos 90, cos 90 बराबर होता है 0 के, तो 0 multiply by anything 0, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है जीरो। इसको आप मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हो या जीरो फ्लक्स भी कह सकते हो। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया, लेकिन आज जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक टॉपिक था हमारा, वो था गॉसस लॉ। तो गॉसस लॉ ने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, ये एक अलग से टॉपिक हो गया आपका, यानी एक टॉपिक के अंदर हमने दो टॉपिक्स डिस्कस कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्फीयर डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्फीयर। तो कंसीडर करेंगे बेटा ये आपका एक स्फीयर है, होलो स्फीयर जिसके सेंटर पर चार्ज और जो प्लेस्ड है, और ये चार्ज जो है वो ओरिजिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मैं पैच बना देता हूं, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पैच हमने क्यों बनाया है, ताकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस से पास हो वो सीम टू बी पैरेलल हो। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि एक पूरा सरफेस स्फीयर है तो कर्वेचर ऑफ सरफेस की वजह से द इलेक्ट्रिक लाइंस जो कि ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर, उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है। तो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड होल स्फीयर इंटू सम स्मॉल सेगमेंट्स और एलिमेंट्स वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सीम टू बी प्लेन और पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस। और जब ये पैरेलल होंगे एक दूसरे से सीम टू बी, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम नहीं होगा। तो रीजन बिहाइंड दैट ये मैं आप निकालने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स ओवर स्फीयर और स्फीयर भी आपका क्लोज्ड सरफेस है। तो लेट कंसीडर किया हमने, लेट कंसीडर किया चार्ज, लेट कंसीडर क्यू इज अ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर एट रेडियस आर। अब यहां पर जो पॉइंट चार्ज क्यू है वो ओरिजिन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम चार्ज Q हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन स्फीयर, ये मैंने रीजन बता दिया। सो डिस्ट्रीब्यूट होल स्फीयर
सो डिस्ट्रीब्यूट होल स्फीयर, डिस्ट्रीब्यूट होल स्फीयर, ये हमने डिस्कस कर दिया इलेक्ट्रिक लाइंस। तो यहां पर मैं ये केसेस जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो रीजन मैंने क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ओके ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट है ऑन स्फीयर, तो हम पूरे स्फीयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू स्मॉल। सो डिस्ट्रीब्यूट होल स्फीयर, डिस्ट्रीब्यूट होल स्फीयर इनटू वेरी स्मॉल सेगमेंट्स वेयर डायरेक्शन और वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सीम टू बी पैरेलल विथ इलेक्ट्रिक लाइंस, पैरेलल विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। अब यहां पर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होल स्क्वायर को इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ एरिया, इसका मकसद ये है कि ये आपका एरिया है नेट एरिया और ये है आपके स्मॉल एरियाज, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हर एरिया तक। तो ये बेसिकली, ये अगर सबको मैं सम करता हूं तो ये बेसिकली आपको हो जाता है एरिया ऑफ स्फीयर। अब हर एरिया के हिसाब से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ईच एरिया सेगमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ईच सेगमेंट, ऑन ईच सेगमेंट। जहां पर हम वाजे तौर पे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन सेम है, तो उसका मकसद है फाइव वन ई डेल्टा ए वन कॉस जीरो डिग्री रखेंगे, हर जगह पर जीरो डिग्री रखेंगे, तो ये फाइव ई वन आपका हो जाएगा ई डेल्टा ए वन। सिमिलरली जो दूसरे सेगमेंट पर होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी आपका यही निकलेगा, फाइव ई टू इज इक्वल टू ई डेल्टा ई टू, और इधर भी कॉस जीरो लगेगा क्योंकि वो भी पैरेलल ही होगा। इसी तरीके से तीसरे सेगमेंट, उसमें भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका सेम होगा। तो इसी तरीके से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल सकते हो ऑन ईच सेगमेंट। तो अल्जेब्रिकली आप इन सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सम करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अल्जेब्रिकली हम ऐड करेंगे, ऐड ऑल फ्लक्सेस अल्जेब्रिकली, टू डिटरमाइन फ्लक्स ओवर स्फीयर। अब सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा ई वन फाइव ई टू फाइव ई थ्री एंड सो ऑन फाइव ई, एंड सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने ऐड कर दिया, तो फाइव ई वन बराबर था ई डेल्टा ए वन के, ई डेल्टा ए वन।
फाइ ई तो आपका था ई डेल्टा ए टी, फाइ ई थ्री आपका था ई डेल्टा ए टी, इसी तरीके से फाइ ई एन आपका हो गया ई डेल्टा ए एन, इसमें कॉमन आपका निकल रहा है ई, तो ये आपका हो गया ए डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री एंड डेल्टा ए एन, इसमें से ई आपने कॉमन निकल दिया। और याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि ए डेल्टा ए वन प्लस ए डेल्टा ए टू प्लस ए डेल्टा ए थ्री, ये सम हो गया आपका बनता है इक्वल नेट डेल्टा ए के, और डेल्टा ए जो है किसके बराबर बेटा, एरिया ऑफ सरफेस के, तो ये आपका है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। तो लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, वो था आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अभी एरिया ऑफ स्फीयर हम सबको मालूम है, एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4πr2 के, ये दोनों वैल्यूज हम पुट अप कर देते हैं इन अबव इक्वेशन, तो दोनों वैल्यूज हम जब पुट अप करेंगे इन अबव इक्वेशन तो बेटा ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 q/r2, और एरिया ऑफ स्क्वायर में हम पुट अप करेंगे वैल्यू 4πr2। बेटा ये वैल्यू हमने पुट अप कर दी ई की जगह पर, ई की जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू 1/4πε0 q/r2, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पर वैल्यू 4πr2। जब से हम ये दो वैल्यूज पुट अप करेंगे तो क्या हम चेक करेंगे भाई r स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 4π हो गया कैंसिल, तो ये एरिया ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ गया ओवर स्फीयर, ये आपका बचा q/ε0, तो हमने एरिया ऑफ स्फीयर भी डिस्कस कर दिया। अब ये एरिया ऑफ स्फीयर जो है ये सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्फीयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी तो वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इन फ्री स्पेस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। अब यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे गॉसस लॉ, तो गॉसस लॉ अब आपको अब आसानी तरीके से समझ में आएगा। अब यहां पर एक इनक्लोज सरफेस हम लेते हैं ऑर्बिट सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं, और इस सरफेस में नंबर ऑफ चार्जेस जो है q1 q2 q3 qn सारे के सारे चार्जेस जो है वो इनक्लोज्ड है, लेट सपोज किया, तो इनका जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज का मकसद, नेट चार्ज आप लोगों ने जो सपोज किया है लेट वो नेट चार्ज है क्यू, क्यू आपका है नेट चार्ज, तो उस हिसाब से क्यू आप कैसे निकालोगे बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn नंबर ऑफ चार्जेस को प्लस करके आप लोग टोटल चार्ज निकालोगे, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि इनक्लोज है इन इनक्लोज सरफेस, ये इनक्लोज सरफेस जिसको आप लोगों ने गॉसियन सरफेस का नाम दिया। अब यहां से हम गॉसियन सरफेस गॉसियन लॉ स्टार्ट करें प्रॉपरली, ये मैं मिटा रहा हूं, अगेन कोई भी इंक्लोज सरफेस जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस इंक्लोज है, और ये आपकी जो लाइन है ये शो कर रही है एरिया ऑफ सेगमेंट्स को, इसका मकसद है हमने इस इंक्लोज सरफेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एरिया ऑफ एरियाज में, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ एरियाज में और चेक करते हैं इमेजिन करते हैं, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इमेजिन, इमेजिन हर चार्ज के ऊपर जो है हर चार्ज जो है वो इंक्लोज है बाय स्फीयर, तो स्फीयर यहां पर स्फीयर को हमने इमेजिन किया है थोड़ी देर के लिए गॉसियन सरफेस थोड़ी देर के लिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्फीयर अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है q/ε0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्फीयर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं उसको बेटा, क्योंकि हमने सपोज किया है थोड़ी देर के लिए गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस ड्यू टू क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड सो ऑन क्यू एन इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अब वो अगर कैलकुलेट करने पर जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हो जाएगी। तो जब हम सपोज कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस को एज ए स्फीयर, तो क्यू वन पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्यू वन कहेंगे बेटा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सेकेंड चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज ओवर स्फीयर यह आपका हो जाएगा क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से फाइ ई थ्री क्यू थ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। अब सिमिलरली इनको भी हम ऐड करेंगे अल्जेब्रिकली टू फाइंड टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, जो कि हमारी मीन है। टू फाइंड टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऐड ऑल दीज इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस ऐड दीज इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस अल्जेब्रिकली टू डिटरमाइन the total outward flux over Gaussian surface याद रहे हमने पूरे Gaussian surface को डिस्ट्रीब्यूट किया है into small segments और हर सेगमेंट का एक अपना एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। और उसके अंदर भी हमने क्या किया है मजीद Q1 जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस सच काइंड ऑफ सरफेस उसको भी हमने क्या किया है इमेजिन किया है होलो स्फीयर, यानी होलो स्फीयर इमेजिन किया और ईच चार्ज जो के किरदार अदा कर रही है एज अ गॉसियन सरफेस। तो हर इलेक्ट्रिक हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस हमने निकाला है क्यू वन क्यू टू। सबको जब एड करूंगा तो फिर वो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा इस कंप्लीट इनक्लोज सरफेस का। ये हमारा आइडिया ये सजेशन थी KF गास इस वजह से इसको कहते हैं गासेस का। तो जैसे मैं ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाता है E1 E2 E3 and 5 EN। अब 5 E1 आपका है Q1 upon epsilon naught Q2 upon epsilon naught Q3 upon epsilon naught and so on upon epsilon naught। अब यहां पर हमारा कॉमन निकल रहा है epsilon naught। यहां पर हमारा कॉमन निकल रहा है वन अपॉन epsilon naught। तो यहां पर रह जाता है क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड क्यू एन। यहां पर थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल नेट चार्ज मिलेगी। तो ये आपको हो जाती है नेट चार्ज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q आपका है नेट चार्ज। तो बेटा गॉसियन सरफेस आपका क्या हुआ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। बेटा ये स्टेटमेंट आपकी हो गई दी टोटल The total outward flux over Gaussian surface is equal to one upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times net charge
enclosed by surface. तो बेटा ये आपकी गॉसस लॉ की एक प्रॉपर स्टेटमेंट भी आ गई। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया गॉसस लॉ। गॉसस लॉ में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, तो इसका मकसद है हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस को डिस्कस किया। यानी इस चैप्टर में तकरीबन हमने 3 से लेकर 4 जो है वो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर दिए। तो बेसिक आपका जो गॉसस लॉ है वो गॉसस लॉ क्या है आपका, के एफ गॉस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डिस्कस किया है द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेट चार्ज। और वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप ये है द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो इसकी इससे रिलेटेड आपकी 3 एप्लीकेशंस और हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन योर कमेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच।